मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामरूपं शरणं प्रपद्ये श्रीरामरूपं शरणं प्रपद्ये। वो जिनकी गति की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, जिनकी वजह से तीनों लोकों में उजियारा है, वो जो श्री राम के अनन्य भक्त हैं, उन्हीं की स्तुति के साथ, हनुमान जी के नाम के स्मरण के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग, जो योग आयुर्वेद शारीरिक संतुलन का एक ऐसा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो बीते कई सालों से लगातार लोगों के दिल में जगह बना चुका है। आज इसी कार्यक्रम के साथ मैं सरयू के घाट से, जहां पीछे आप धुंध देख सकते हैं, कलकल बहती हुई सरयू की आपको आवाज सुनाई देगी, यहीं से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूं। और इसलिए भी क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों की निगाह, करोड़ों राम भक्तों की निगाह अयोध्या धरती पर तीर्थ क्षेत्र से जुड़ी हुई है, यहीं पर टिकी हुई है जहां पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं अगर योग गुरु स्वामी रामदेव के ही शब्दों में कहूं तो संकल्प से सिद्धि की परिणति जैसे योग के जरिए स्वास्थ्य के लिहाज से हो जाती है, ठीक वैसे ही संकल्प से सिद्धि की ओर आप राम मंदिर का ये भव्य निर्माण देख रहे हैं। हुसैन, बिल्कुल मीनाक्षी, श्री राम की नगरी अयोध्या की धरती को मेरा भी बारंबार प्रणाम। ये मेरी भी जन्मभूमि है और इस बात का मुझे फ़ख्र है कि यहाँ की आबो हवा में मेरा बचपन बीता है। मेरे दिल में भी अयोध्या बसती है और वो इसलिए कि श्री राम का चरित्र, मर्यादा और संतुलन, गंगा जमनी तहजीब, सबको साथ लेकर चलने का एक दूसरा नाम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप, बैलेंस कितना ज़रूरी है। इसे हम सब अपनी ज़िंदगी से ही जोड़कर देखें तो समझ में आ जाएगा। रिश्ते नाते हों, जिम्मेदारियां हों या फिर सेहत की बात ही क्यों ना हो, हर जगह संतुलन बहुत ज़रूरी है। अब शरीर की बायोलॉजिकल एनर्जी यानी कि वात, पित्त और कफ को ही ले लीजिए, इनका बैलेंस बिगड़ता है तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। पूजा और ज्योत्सना, लेकिन ऐसा होता क्यों है, उसके लिए पहले ये समझना होगा कि वात, पित्त, कफ होता क्या है, इनके बीच का संतुलन जिसकी बात हम कर रहे हैं वो बनता कैसे है ज्योत्सना? दरअसल हमारा शरीर इन्हीं तीन एनर्जी के कॉम्बिनेशन से चलता है। अगर इनमें से एक भी एनर्जी इम्बैलेंस हुई तो समझिए हुसैन बीमार पड़ना तय है। हाई बीपी, शुगर, ओबेसिटी, थायराइड, सर्दी, जुकाम, एसिडिटी, ये सभी रोग त्रिदोष के इम्बैलेंस हो जाने की वजह से होते हैं। और जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, ड्राइनेस रहती है, कमजोरी ज्यादा महसूस होती है, उनमें वात दोष ज्यादा होता है। और अगर सीने में जलन, एसिडिटी की दिक्कत हो तो समझिए शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है। तो कफ दोष वालों को हर वक्त थकान और शरीर में भारीपन भी रहता है ज्योत्सना। इन तीन दोषों को जानकर अगर उनका बैलेंस बनाए रखें तो इम्यूनिटी भी मजबूत रहेगी और बीमारी भी पास नहीं फटकेगी। मीनाक्षी, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा कि संकल्प से सिद्धि तभी हासिल होती है जब आप उसके लिए प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, वो अथक परिश्रम जहाँ श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के तौर पर दिखाई दे रहा है, गर्भगृह की सुंदर सुंदर तस्वीरें सामने आ रही है, ठीक वैसे ही संकल्प से सिद्धि की ओर हमारा स्वास्थ्य भी जा सकता है। तब जब हम वात, पित्त और कफ तीनों का बैलेंस अपने शरीर में बना सके, और ये करना नामुमकिन नहीं है। अब देखिए ना, मैं अयोध्या में मौजूद हूँ, जैसा कि मैंने कहा पीछे कलकल बहती हुई सरयू है, उसके पीछे मंदिर है, मंदिर की घंटी की आवाज है। योग का धर्म मैंने नहीं छोड़ा है तो किसी को भी नहीं छोड़ना है। आज यहाँ सरयू के घाट से ही मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम आप लोगों के साथ जरूर करने वाली हूँ। एक पत्र अगर आप राम जी को भेज देती कल ही तो आज थोड़ी धुंध कम होती और हम अयोध्या के दर्शन ठीक तरीके से कर पाते तो जरा ज्यादा बेहतर होता। हालांकि नोएडा में धुंध जरूर, अभी तो धुंध और बढ़ेगी हुसैन। अब हम चलते हैं स्वामी जी के पास। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। त्रिदोष को बैलेंस आज करना है स्वामी जी। प्रणाम स्वामी, प्रणाम स्वामी जी। लेकिन उस प्रचंड धुंध में इधर प्रचंड जो है पूरी वर्कआउट भी चालू है और ये बेटियां मेरे पास से इतनी छोटी छोटी आई थी, अब इतनी बड़ी बड़ी हो गई, इतने मजबूत हो गई है, ऐसे उठा उठा के पटकती है।
क्या बात है, और ये बल, ये शौर्य, ये पराक्रम, और ये हमारे छोटे वाले पहलवान है। हाँ चलो 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 चलो, क्या बात, ओ हो हाँ, ओ इधर भी चल रहा कार्यक्रम। अब ये छोटे पहलवान है हमारे, ये हुसैन भाई की तरह जिम की ओहो, ये तो उठा उठा के इधर भी पूरा जोरदार कार्यक्रम है, और ऐसे जिनमें ऊर्जा होगी। इधर ये खो खो चल रहा है तो प्रचंड धूप में भी हमारे बच्चे रुक नहीं रहे, क्या बात है। और इधर तो ये देखो ऊपर चढ़ गई आसमान में, अब इतनी ठंड में तो रस्सा भी ठंडा, और इस ठंडे रस्से में हमको डर नहीं लग रहा कहीं ये कहीं फिसल न जाए। लेकिन भाई इनके जो है एकाग्रता को, इनकी निष्ठा को भी सलाम है। और इधर जुड़ो कराटो और क्या कुंफो क्या बोलते हैं, ताइक्वांडो, ओहो हो, ये तो पूरा भीड़ भाड़ा वाला एरिया आ गया। और इधर बेटियों ने तो क्या गजब का पोज बनाया है साहब, ओहो हो। और इधर प्राणायाम चल रहा है, इधर हवन चल रहा है, और इधर वेद पाठ चल रहा है। तो ये पूरे पतंजलि गुरुकुलम का दर्शन है। इधर जो है शिव तांडव चल रहा है, हवन भी चल रहा है, और इस सब के बीच में नृत्य भी चल रहा है। तो ऐसे जो बच्चे अपने आप को उभार लेंगे, ये हल्दी का परीक्षण कर रहे हैं, तो ये सारे जो एक्टिविटीज हैं, और यहाँ तो कुछ ज्यादा ही जोरदार मामला है। ओह पत्तों में से बढ़िया बढ़िया चीजें उकेर रहे हैं। तो भाई हमारी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पतंजलि के बच्चे हर साल नेशनल अवार्ड जीतते हैं, राष्ट्रपति से लेकर के आते हैं, क्या बात है। तो चलो ये पूरा योग, और इस योग में ये कठिन आसन जो कर सके तो इन बेटियों के साथ कर लेना भाई। ये तो पीछे से पूरा सिर कहां लगा दिया, अरे रामा रामा रामा, पीछे से भी ऐसे झुक करके पूर्ण चक्रासन, और आगे से झुकते हैं, पीछे निकाल देते डिंबासन भी करो, क्या बात है। तो मीनाक्षी जी आप तो सूक्ष्म व्यायाम करके गुजारा कर रहे थे, ये तो हमारी महायोगिनी बेटियों से भी आगे निकल गई। और कोई बात नहीं स्वामी जी, स्वामी जी थोड़ी सी कोशिश करते हैं हम भी। मीनाक्षी आज अयोध्या में है इसलिए सूक्ष्म व्यायाम करें वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन जिस दिन वो फ्लोर पर यहाँ पे होंगी स्टूडियो में, उस दिन वो बिल्कुल पावर योगा करेंगी। स्वामी जी देखिए, कभी मौसम की बीमारियां, कभी किसी न्यूट्रिशन की कमी, कभी कोई वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, न जाने क्या क्या, और इन सारी चीजों की वजह से सेहत पर खतरा हमेशा मंडराता रहता है। तो ऐसे में शरीर को मजबूत रखा जाए, हर तरह के हमले से शरीर लड़ने में सक्षम रहे, तो योग के साथ साथ त्रिदोष को कैसे शांत करना है। पावर योगा की शुरुआत तो आप कर ही दीजिए, लेकिन त्रिदोष के बारे में बताइए कि ये कैसे बिगड़ता है, फिर से शांत कैसे करना है। तो देखो मैं योगिक जोगिंग, इसके बाद सूर्य नमस्कार, और ये दंड बैठक, ये सबसे बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आज हम बहुत कुछ बताने वाले हैं, च्यवनप्राश के साथ बाल प्राश भी बताने वाले हैं और खिलाने वाले हैं। और ये 12 अभ्यास योगिक जोगिंग के बहुत दिनों से क्रम से नहीं किए थे, तो एक सीक्वेंस के साथ करेंगे। और इधर हमारे ये बच्चे भी पूरे आनंद में मस्ती में है, और ये अभ्यास करते करते त्रिदोष क्यों बिगड़ता है, एक तो जेनेटिकली वाता पित्त कफ ये तो दोष होते हैं, इनका आधिक्य होता है, फिर जो ज़्यादा खटाई खाते हैं तो बात खटाई में पड़ जाती है, ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा दालें खाते हैं, ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करते हैं, जिनकी दिनचर्या गड़बड़ होती है, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, जिनका पाचन तंत्र कमज़ोर पड़ जाता है ओवर ईटिंग से, अनहेल्दी ईटिंग से, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करने से, तो वात दोष प्रकोपित हो जाता है। जो बहुत तीखी चीज़ें खाते हैं, मसाले ज़्यादा खाते हैं,
उससे पित्त दोष और ज्यादा चिकनाई और ज्यादा ठंडी चीजें खाते हैं उससे कफ दोष बिगड़ जाता है। कफ बिगड़ने का एक कारण हमारे श्वसन तंत्र की कमजोरी भी है, इसलिए हम कहते हैं रोज दौड़ लगाओ। हाँ, जो रोज दौड़ लगाएंगे फिर उनका फेफड़ा बहुत मजबूत रहता है। और दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्राश और आज ये बालप्राश भी हमने बना दिया है। ए, इधर आओ कृष्णा जी, आपके लिए बनाया है। तो ये एक बालप्राश खा लो और फिर जो है जा तो ऐसे जा जा तो ऐसे ये जो जिनके फेफड़े कमजोर होते हैं उनका कफ दोष जल्दी बिगड़ता है। इधर वेद पाठ करते करते भी प्राणायाम कर लो जरा जोर से। हम तो योगिक जोगिंग करते करते भी प्राणायाम कर लेते हैं। लंबा श्वास लिया छोड़ा। फेफड़ा कमजोर होने से वात दोष बिगड़ता है और पित्ताशय कमजोर होने से पित्त दोष बिगड़ता है और मूलाधार स्वाधिष्ठान कमजोर होने से वात दोष बिगड़ता है। इसलिए बस्ती से वात को दस मूल की पीड़ांतक की अरंड की मूल की या अरंड तेल की बस्ती देने से वात, अणु तेल का नशे स्वासारी ब्रोनकोम से कफ और पित्त के लिए तो एसिडोग्रिट अविपत्तिकरण चूर्ण मुक्ता शुक्ति एसिडोग्रिट और लिमोग्रिट दे देते हैं। लंबे लंबे श्वास। सामान्य रूप से हल्दी तुलसी अदरक पिला दो कफ दोष दूर, एलोवेरा वीट ग्रास पिला दो पित्त दोष दूर और वात के लिए तो एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना हल्दी मेथी सौंठ का लहसुन कल्प का प्रयोग। तो ये अब कोई दोष नहीं बिगड़ेगा, सब निर्दोष रहेंगे। अब वात दोषों में वात टेस्टी से हवन करते हैं। क्या नाम बाबू आपका? आराध्य आर्या, नाम ही आर्या है, ये ठीक। लंबे लंबे श्वासों के साथ वातेष्टी पित्तेष्टी कफेष्टी उससे हवन भी कराते हैं जैसे आर्या कर रही है। हाँ ऐसे फिर ऐसे ऐसे ये वह जो कठिन कर सके तो बेटियों की तरह कर लेना। आज हमारे पास दसियों पूरे पूरे शरीर निर्माण चित्र निर्माण जीवन निर्माण के पतंजलि गुरुकुलम विश्व का सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल है और जिन पत्थरों से राम मंदिर को बनाया जा रहा है हम यहाँ राष्ट्र मंदिर का निर्माण करने के लिए चरित्र निर्माण कर रहे हैं, जीवन का निर्माण हो रहा है। पतंजलि गुरुकुलम भी वैसे ही दिव्य भव्य है जहाँ मीनाक्षी जी विराजमान है। राम मंदिर जैसे बन रहा है ऐसे राष्ट्र मंदिर के लिए चरित्र निर्माण के लिए ये पतंजलि गुरुकुलम में हम यह बच्चों को तैयार कर रहे हैं। जो कर सके ऐसे मेरे साथ पूरा योगिक जोगिंग अभी सूर्य नमस्कार अभी तो पूरा पावर योगा बाकी है और ऐसे और जो ऐसे पूरा कर लेना। इधर शिव तांडव और महिषासुर मर्दिनी का गायन हो रहा। अच्छा स्वामी जी, कई जब आप कहते हैं कि वात पित्त कफ को शांत करना है तो कई बार लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, क्या ये लोग वात पित्त कफ गुस्सा गया है ये क्या मतलब, इसका अशांत हो जाने का मतलब क्या होता है और फिर तीनों के लक्षण क्या क्या है? तो एक तो ये योगिक जोगिंग के 15 पोज कर दिए हमने, फिर ये सूर्य नमस्कार के 12 पोज और ये सारी एक्टिविटीज और मलखंब पे भी भाई कमाल कर रही है बेटियां। मैंने सोचा भाई आज बहुत दिनों के बाद यहाँ बेटियों के गुरुकुल में आए और यहाँ
इतनी प्रचंड ठंड है भाई, कैसे होगा। लेकिन हौसला बहुत है जबरदस्त। तो ये जो ये पूरा कर सके वो तो पूरा कर लेना, बाकी सूक्ष्म व्यायाम कर लेना, मीनाक्षी जी की तरह प्राणायाम कर लेना, हमारी तरह से दंड बैठक भी पूरी लगा लेना भाई, जो लगा सके। और स्वामी जी आप ही तो कहते हैं प्राणायाम के जरिए 99% बीमारियों की तरह कर लेना सकता है। तो चाहे नोएडा के स्टूडियो में हो, दिल्ली में विजय चौक पर हो, या फिर आज अयोध्या में सरयू के तट पर हो, प्राणायाम तो कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन स्वामी जी कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जो मंदिर का प्रांगण दिखाई दे रहा है और विशेष तौर पर जो गर्भगृह राम मंदिर का दिखाई दे रहा है, ये बड़ा अद्भुत है। आज हमारे नजरों से ही मैं दर्शकों को इस मंदिर की तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। स्वामी जी जिस तरह की कलाकृतियां यहाँ पर दिखाई दे रही है, राम जी के चरित्र को इसमें बुना गया है। अगर एक एक छोटी छोटी बारीक चीजों की हम बात करें तो स्वामी जी चाहे वो बंसी पहाड़पुर के पत्थरों को यहाँ पर लाना हो, या फिर मकराने का मार्बल लाना हो, या फिर महाराष्ट्र के सांगौन की लकड़ी को यहाँ पर लाना हो, एक एक छोटी छोटी चीजों का इतना खूबसूरती से ख्याल रखा गया है। और केवल 70 एकड़ भूमि की अगर हम बात करें तो एक नई दुनिया जैसे यहाँ पर बसती हुई नजर आ रही है। कायाकल्प हो गया है अयोध्या नगरी का स्वामी जी। एकदम ये सनातन का गौरव काल, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का, वेद धर्म का, ये ऋषि धर्म का गौरव काल है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की उपासना करें और राम की तरह मर्यादा में जिए। अब शरीर मर्यादा में नहीं है तो कहाँ कर पाएंगे ऐसे भूनम अनासन। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी आहार, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावही माथा, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई पाई। देखो तो हम राम के दिव्य भव्य मंदिर को भी देख रहे हैं और रामदेव के साथ योग करते करते राम कैसे बनना है। मर्यादा शरीर की, मर्यादा शील की, मर्यादा मर्यादा आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में हो। और इसके लिए हमारे वात पित्त कफ त्रिदोष भी मर्यादित रहे। वात पित्त कफ त्रिदोष नाशक है योग, त्रिदोष नाशक है आयुर्वेद, आयुर्वेदो अमृता नाम, त्रिदोष नाशक है व्यायाम। और वो बेटी जो रस्से पर कर रही है उसको तो देख देख करके मुझे एक तरफ गौरव भी हो रहा है और दूसरी तरफ थोड़ा तरस भी आ रहा है कि इतने कोहरे का जब कोहराम मचा है उसमें भी राम जी का नाम लेकर के इधर बेटियां कठिन कठिन आसन और उधर कुंफों से लेकर के जोड़ों कराटों से लेकर के ताई कांडों से लेकर के पता नहीं क्या क्या। ओहो हो 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 हो, आनंद ही आनंद है। और उधर वेद की ऋचाएं गुंजायमान हो रही है अयोध्या जी में और इधर आर्या जी भी गायत्री मंत्र से महामृत्युंजय से वेद की ऋचाओं से आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतः अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य दिवं मृत्युजं होतारं रत्नधातमं स्वाहोऽ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहोऽ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहोऽ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः। आहा हा हा, पूरा आनंद है मेरे भाई हुसैन जी, उत्सव है। अब इस उत्सव को स्वामी जी थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कोहरे के साथ मंद मंद मेघ भी बरस रहा,
मौसम तो बहुत शानदार है, लेकिन इस मौसम को एंजॉय करने के लिए, इसे महसूस करने के लिए शरीर का अंदर से मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। तो स्वामी जी, हमारे शरीर में जो बायोलॉजिकल एनर्जी होती है वही हमारे शरीर को हेल्दी रखती है, और जब ये बिगड़ती है तो इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, फिर बीमारियां घेर लेती हैं। और ये परेशानी कभी वात के बिगड़ने से, कभी पित्त कफ के बिगड़ने से होती है। तो अब ज़रा एक एक करके बात करते हैं स्वामी जी, जब वात बिगड़ जाता है तो कौन कौन सी परेशानी होती है, और फिर उसका समाधान क्या, उसका उपाय क्या उससे बचने का? तो एक तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले बता देते हैं, इम्यूनोग्रिट या वटी या पाउडर, आंवला या एलोवेरा, जैसे जो गाय का घी खाते हैं रोज, च्यवनप्राश आदि खाते हैं, अभी मैंने आज जिक्र किया बालप्राश, ऐसे जो खाएंगे उनको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो शेष वात बिगड़ जाए तो क्या क्या होता है, एक तो ऐसे डकार आती है, तो एक तो गोमुखासन करें जिनको वात बिगड़ जाता है। अब जैसे बेटियां हैं, इनका क्या बिगड़ेगा, ये बिगाड़ दें सब बीमारियों का मोक्ष किया हुआ इन्होंने सब विकारों का। तो गोमुखासन से बिगड़ा हुआ वात ठीक होता है, जो गैस बनती है, गैस के लिए गैस अर्चून भी है, और वात बिगड़ने से जहाँ गैस बनती है वहीं दर्द बढ़ते हैं। दर्द गर्दन में हो तो सर्वाइकल स्पोलाइटिस, पूरे नीचे कमर तक चला गया तो स्लिप डिस्क स्टैटिका लोमोस्पोलाइटिस, पूरे 33 के 33 वर्टिब्राज में छा गया तो एंक्रोचिंग स्पोलाइटिस, घुटनों में बढ़ा तो कार्टिलेज घिसा देता है, कमर में बढ़ा तो कमर से लेकर के नीचे पैर तक पूरे शरीर में झुनझुनी होती है, सुन्नपना आता है। तो सामान्य रूप से तो चंद्र प्रभावटी योगराज महायोगराज गुगुल प्राचीन काल में दिया करते थे, अभी हम हल्दी मेथी सूट मीठी सुरंजान अश्वगंधा भी बताते हैं, वातारी चूर्ण भी बताते हैं, खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले ले, या जैसे मैंने कहा था एलोवेरा गिलोय, सदाबहार निर्गुंडी और मोरिका मैजिक ट्री बोलते हैं उसको, सहजन, इनका रस पी ले तो वात दोष पूरे खत्म हो जाते हैं। दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीज़ें जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था, इनका निषेध करना पड़ेगा, पाचन को अच्छा रखना पड़ेगा, इंटरमीडिएट उपवास करें, इंटरमीडिएट उपवास, बाहर नहीं अंदर डालो बाबू, हाँ सामग्री डालो। स्वामी तो वात दोष की बात, ये वातहर द्रव्यों से हवन, वातहर द्रव्यों से बस्ती और उनका मेडिकेटेड वाटर। जी मेरी बहन स्वामी जी, ये तो वात दोष की बात हुई कि अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो कैसे इसे परफेक्ट किया जाए, अब पित्त दोष की भी बात कर लेते हैं। पित्त दोष को बिगड़ने पर किस तरह की परेशानी शरीर में आती है, बीमारी कौन कौन सी शरीर में होती हैं, और इससे बचने के लिए क्या उपाय आजमाए जा सकते हैं? तो देखो, पित्त से बचने के लिए एक तो गरम मसाले तीखी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, और मंडूकासन पवन मुक्तासन, ये पाचन तंत्र को अच्छा रखते हैं। पाचन तंत्र के गड़बड़ होने से ही पित्त बिगड़ता है, वात बिगड़ता है, और पाचन तंत्र कमज़ोर हुआ तो प्रत्यक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, कफ बढ़ता है, और फिर ये त्रिदोषों से ये सारा दोष, सारे रोग हमें घेर लेते हैं। तो जिनका भी पित्त बढ़ा हुआ है, गरम मसाले मिर्ची तीखा भोजन बासी भोजन, और ओवर ईटिंग बंद कर दें, जल्दी जल्दी खाना बंद कर दें, खाना चबा चबा के खाएं, खाने के एक घंटे बाद पानी पिए, सुबह हो सके तो बस दलिया अंकुरित फल आदि लें, दोपहर का भोजन पूरा ले लें, और शाम का भी भोजन बहुत हल्का लें, ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंज करें, और जब ऐसे चेंज करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मंडूकासन और पवन मुक्तासन ये ज़्यादा करें। ये पित्त दोष के लिए एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट तो मैंने बताया ही था, अब देखिए 10 चीज़ें बता रहा हूँ। केवल पेठे का जूस, ये पेठा रखा है, केवल लौकी का जूस,
केवल पेठे का जूस, केवल लौकी का जूस, केवल एलोवेरा का जूस, केवल वीट ग्रास से, केवल शीशम के पत्तों से, केवल बेल के और पीपल के पत्तों के रस से, दूधी घास से, दूरवा घास से भी। और किसी किसी को तो मैंने देखा मिट्टी के घड़े में चांदी का एक मोटा सा सिक्का डाल दिया और उसका पानी पी लिया, उसी से पित्त का प्रशमन हो जाता है। ये जो हवन कर रही है आर्या जी, इसके यज्ञ की भस्म का पानी पीने से ये एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन कर देता है। और अव्यपत्ति कर चूर्ण में 100 ग्राम में 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 2-4 ग्राम मोती पिष्टी डाल के ले लो, उससे पित्त का प्रशमन हो जाता है। काम दुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी 10-10 ग्राम बराबर ले लो, और आधा आधा ग्राम सौंफ के पानी से, जीरा धनिया सौंफ मुलेठी और गुलाब के फूल का पानी मैंने कई बार बताया हुआ, उससे पित्त का प्रशमन हो जाता है। तो ये अनेक उपाय है पित्त का प्रशमन करने के लिए। कब्ज ना रहे, पित्त की तो कब्ज ना रहे, इसके लिए त्रिफला चूर्ण रात को। बात अब कफ दोष की भी हम करना चाहते हैं। आप जहाँ पर है वहाँ भी खूब ठंड पड़ रही है, कोहरा है। मैं जहाँ पर बैठी हुई हूँ यहाँ पर पीछे तो मुझे मंदिर तक नहीं नजर आ रहा है, इतनी धुंध इतना कोहरा है। तो स्वामी जी, इस ठंड का असर कई लोगों की कफ प्रकृति पर पड़ता है, कफ का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो इस बैलेंस को पहले तो बिगड़ने से बचाए कैसे, और अगर बिगड़ गया है तो फिर योग और आयुर्वेद के जरिए सुलझाए कैसे इस परेशानी को? देखो, एक तो ये भुजंगासन, दंड तो हमने बताया ही था, लगाओ दंड भगाओ ठंड, ऐसे। अब एक तो ये तरीका है, दंड लगाओ, और राम नाम का धुन चल रही है उधर, और राम नाम की धुन पतंजलि गुरुकुलम भी चल रही है, ये अयोध्या में भी चल रही है। राम नाम जपो, नाम जपो और काम भी करो, नाम जपो कीर्तन करो, और जो ऐसे दंड ना लगा सके भुजंगासन करो। और कफ के लिए एक तो च्यवनप्राश मैंने बताया था, और आज बालप्राश भी बता दिया बच्चों वाला। मैंने आज आते आकर के देखा, खा करके देखा, इसमें तो बड़ा जोरदार मामला है। जिन बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है ना, उनको इम्यूनोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड के साथ एक चीज और देते हैं हम बच्चों को, कुमार कल्याण रस, बड़ों को वसंत कुसुमाकर रस। साहब क्या जबरदस्त, ऐसे चावल के बराबर दे दिया, एक चावल के बराबर, और फेफड़ा ऐसा मजबूत हो जाता है। और जो भुजंगासन करा रहे हैं ये ज्यादा करना ऐसे, और इसमें हम श्वासारी देते हैं, श्वासारी प्रवाही देते हैं, ये श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड ब्रोनकोम, और ये जो मैं बता रहा था ना आपको, बड़ों को ये च्यवनप्राश, और ये छोटों को ये बालप्राश। आ हा 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 हा, ठंड है थोड़ा, हम भी अंदर का हीटर ऑन कर लेते हैं, बड़ा जोरदार काम। तो बच्चों को बालप्राश, बच्चों को च्यवनप्राश खिला देना, इससे फेफड़े बड़े अच्छे हो जाते हैं। और इसके लिए फिर ये करो, देखो जब लंबे गहरे श्वास भरते हैं ना, तो जरा हमने जोर से फूंक मारी तो सामने का कुछ कोहरा भी हट गया है, उसने भी सोच लिया भाई इधर बात बनेगी नहीं, इधर तो प्रचंड प्राणायाम चल रहा है, इधर प्रचंड आसन चल रहे हैं, क्या बात है। वह बेटियों ने बहुत जोरदार कार्यक्रम, और पीछे भी बच्चे लगे हुए। और स्वामी जी, अगर त्वरित ठंड भगानी हो तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि थोड़ी सी पी लो और ठंड भाग जाएगी। ठंड लग रही है इसलिए पी ली। उनसे तो राम जी बचाए, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। अरे तू दारू मन काहे को पीवे, उदासी मन काहे को डरे। स्वामी जी, क्या एक साथ दो या तीनों दोषों को इम्बैलेंस किया जा सकता है, और अगर ऐसा है तो उन्हें शांत करने के क्या उपाय हैं, वो भी बता दीजिए।
तीन दोषों को एक साथ बैलेंस किया जा सकता है। प्राणायाम त्रिदोष नाशक है और यह गिलोय गिलोय घनवटी और गिलोय घनवटी एडवांस ये त्रिदोषों को बैलेंस करने के लिए। प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम त्रिदोष नाशक तो तेजी से भस्त्रिका करना पड़ेगा। कफ है उनके लिए भस्त्रिका, हाँ थोड़ा तेजी से। हम तो इसलिए भी तेजी से कर रहे हैं कि ठंड ना लगे। पित्त बढ़ावा तो कपाल भाती थोड़ा धीरे कर। नाक ठंडी हो जाती है। और ये अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम जो है ना ये त्रिदोष नाशक है, बड़ा जबरदस्त वात पित्त कफ गिलोय त्रिदोष नाशक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो त्रिदोष नाशक है। जब पित्त दोष बढ़ जाए तो शीतरी शीतकारी ज्यादा करें। आहा हा, आज तो पूरा आनंद ही आनंद है। तो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, निर्बल के बल सीता राम, निर्धन के धन श्री भगवान, जय सिया राम जय जय हनुमान। भगवान जी का नाम लो। और जैसे बच्चों ने यहाँ पर माँ दुर्गा की स्तुति की, राम जी की स्तुति की और भगवान शिव की स्तुति की, ये विष्णु सहस्रनाम दुर्गा सहस्रनाम सब पढ़ते हैं, तो आज शिव स्तोत्र पढ़ो। अब तो काशी विश्वनाथ की जय हो। हम जब गंगोत्री गए ना, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, और ऐसे मस्ती से प्राणायाम किया करते थे। पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर दूर लगाया करते थे, गंगोत्री से गोमुख और तपोवन जाके शाम को वापस 22 किलोमीटर तपोवन जाके वापस पूरा गंगोत्री आ जाया करते थे। ये उत्साह होना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो और आपने शिव के नाम की बात की है तो विफ चार पंक्तियां में शिव के नाम की यही सरयू से गाना चाहती हूँ। जरूर से जरूर से जरूर। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं। नमामि शमिशान। आपने जो बिना संगीत के गाया मीनाक्षी जी, इधर से हम संगीत के साथ गा दे रहे हैं। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिराजन गोतीतमीशम गिरीशम, गिराजन गोतीतमीशम गिरीशम, महाकाल कालम त्रिपालम, नागर संसार पारम न तो हम। और इधर हो हो हो, दंड बैठा काल कालम त्रिपालम। और ए बच्चों अब दौड़ लगाओ, चलो जाओ जोर से, देखते कौन आगे जाता। ओ हो 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 हो, क्या बात है। ऐसे तो बच्चे दौड़ लगाते हैं। हाँ, दूसरों का नीचे भी ख्याल रखना, कभी किसी के ऊपर ही चढ़ जाओ। चलो चलो, ऐसे बच्चों को सुबह सुबह दौड़ाया करो। बटू राम थोड़ा जोर से दौड़, बतलू राम हो जाएगा। ये पीछे से फर्स्ट है।
स्वामी जी, त्रिदोषों की हम बात कर रहे हैं और अगर दोनों दोष एक साथ आ जाएं, इम्बैलेंस हो जाएं या त्रिदोष इम्बैलेंस हो जाएं, उनको कैसे क्योर करना है आप बता रहे हैं, लेकिन क्या स्वामी जी वात, पित्त और कफ के बढ़ने से ही परेशानी होती है या फिर इनमें से कोई दोष कम हो जाए तो भी दिक्कत आ सकती है, एक कम हो जाए या दो कम हो जाए तो दिक्कत आ सकती है? अब देखो, मैं इसको थोड़ा दूसरे अर्थ में कहता हूँ। वात कम हो जाएगा अर्थात प्राण शक्ति क्षीण हो जाएगी, इसको ऐसे बोले, प्राण शक्ति क्षीण हो गई, प्राणायाम भी कर लेते हैं हम, भस्त्रिका कपाल भाती, आओ जी माता जी इधर बैठ के कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, वात अर्थात प्राण शक्ति कमजोर पड़ जाए तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएगी, इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाएगी, ऐसे ही जब कफ मतलब बलगम नहीं, कफ जो हमारी जीवनीय शक्ति है वो कमजोर पड़ जाएगी तो व्यक्ति अंडरबीट हो जाएगा, और जब पित्त कमजोर पड़ जाएगा तो मंदाग्नि हो जाएगी। तो हमारी प्राण शक्ति कमजोर ना पड़े तो इसके लिए दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, ब्रोनकुम, स्वाहसारी आदि मैंने बताया, इम्यूनोग्रीन, और इससे एक तरफ हमारे कफ दोष दूर होंगे, ब्लड सर्कुलेशन शिलाजीत से नियंत्रित हो जाएगा, और हल्दी त्रिदोष को ठीक करेगी, च्यवनप्राश कफ दोष को, और दूध जो है ये पित्त दोष को भी दूर करता है, पित्त का प्रशमन करता है, और उसमें थोड़ा सौंफ के साथ ले लो तो और ज़्यादा कर देता है। तो पित्त दोष कमजोर पड़ने से मंदाग्नि हो जाती है तो फिर पंचकोल का काढ़ा पियो, चितक चव्य सोट पेपर पेपरा मूल, इसको उबाल करके पी लो, मंदाग्नि ठीक हो जाएगी। और जब कफ दोष, कफ अर्थात हमारी जो जीवनीय शक्ति है वो कमजोर पड़ गई तो फिर थोड़ा सा खजूर ले लो, आज खजूर बताने वाले, खजूर का एनर्जी बार, खजूर, केला, अश्वगंधा, शतावर, तो फिर वेट लॉस से बचेंगे। और शिलाजीत, तो शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत, ये तो बहुत ही जबरदस्त है, जो ज्यादा ही एक और चीज स्वामी जी बड़ी जबरदस्त है, शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत, और वो है प्राणायाम। तो स्वामी जी एक बार फिर से जरा सा प्राणायाम पर आते हैं, त्रिदोष को शांत करने के लिए प्राणायाम कितना कारगर है और कौन कौन से दोष में कौन कौन से प्राणायाम करने हैं, एक सेशन करवाए फिर आगे बढ़ते। पित्त दोष में शीतली शीत कार्य करना चाहिए जी, बाहर निकाली फिर छोड़ दिया, एक ये, दूसरा ऐसी ये, फिर बाएं स्वर चंद्र स्वर है, दाएं को बंद किया, बाएं से लिया, बार बार दाएं से छोड़ देना, बाएं से लेना हर बार, दाएं से छोड़ना, तब पित्त दोष का प्रशमन हो जाएगा। अब कफ दोष का प्रशमन करना है तो भस्त्रिका ऐसे, वात दोष का प्रशमन करना है तो कपाल भाति और अनुलोम विलोम, और अनुलोम विलोम तो त्रिदोष का भी प्रशमन करता है। एक बात और बताता हूँ, आयुर्वेद की औषधियाँ किसी को गर्मी ज़्यादा लगे ना, कोई भी जैसे स्वासारी, ब्रोनकोम, कोई भी न्यूरोग्रीट, इम्यूनोग्रीट, कोई भी औषधि खाई, ऑर्थोग्रीट, पीड़ा नील गोड़, तो गर्मी लगी तो एलोवेरा जूस या सौंफ के पानी के साथ ले लो, पित्त नहीं बढ़ेगा। किसी को थोड़ा ठंडी लगती है दवाई जो है उसकी कफ की प्रकृति है तो उसको तुलसी के जल से या शिला तुलसी ड्रॉप हम देते हैं या जल में एक बूंद शिलाजीत डाल दी, थोड़ा दालचीनी उसमें उबाल लिया, दालचीनी में मिठास और शिलाजीत की थोड़ी सी कॉफ़ी जैसी कड़वाहट होती है, आहा आनंद आ जाएगा। तो अनुलोम विलोम त्रिदोष नाशक है, भ्रामरी उद्गीत, भ्रामरी उद्गीत ओंकार ध्यान,
जिनका के मन में उद्विग्नता होती है, मन में बड़ी अशांति होती है, तो उसका प्रशमन हो जाता है, मन की अशांति दूर हो जाती है और हमारे भीतर की योगाग्नि उद्बुद्ध हो जाती है। तो स्वामी जी देखिए, कोहरे सप्त धातुआग्नि पंचभूताग्नि जठराग्नि से चलती है और जठराग्नि प्राणाग्नि से चलती है। कोहरे और ठंडक के बीच आप बगैर कपड़ों के बैठे, जाहिर है आपने अपने एनर्जी लेवल को वहां पहुंचा लिया है जहां तक हम सोच नहीं सकते फिलहाल, लेकिन फिर भी लोग इस सर्दी में अपनी इम्यूनिटी और एनर्जी को कैसे मजबूत करें, घर बैठे क्या नुस्खा आजमाया जा सकता है, आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताता हूँ कि कल क्या खास होने वाला है। और इस बीच स्वामी जी का सिग्नेचर जो अभ्यास है नौली क्रिया, 2024 के आगाज के जश्न में भूलकर भी ना करें कौन सी गलती, युवाओं की नशे की आदत पर क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी, शराब के सेवन से लीवर होता है खराब, हार्ट ब्रेन पर खतरा, हाई बीपी हाई हो जाएगा आपका बीपी अगर आप नशे के आदी हैं, तो स्वामी रामदेव बताएंगे इसके यौगिक उपचार, नशा छूटेगा और दमदार होगा नया साल। तो वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और अगर आप किसी भी तरह के नशे की गिरफ्त में हैं तो स्वामी जी आपको उससे मुक्ति दिलाएंगे। तो स्वामी जी आज क्या खास बनने जा रहा है? खास ये बनने जा रहा है, इधर तो जो हमने काढ़ा बताया था ना, ये गिलोय, ये मुलैठी, ये अर्जुन, ये दालचीनी, ये तुलसी, ये हल्दी अदरक, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च इसमें डाल करके कूट लिया और कूट करके ये तैयार हो गया काढ़ा। एक तो ये काढ़ा बनने जा रहा है और इधर जो है थोड़ा गाय का घी डाला और गाय का घी डाल करके और ये तैयार हो गया। इधर पेस्ट खजूर का, ये खजूर बहुत अच्छे अच्छे हमने पूरे देश को भी उपलब्ध करवा दिए हैं, ये खजूर ही रखे आज इधर, हाँ खजूर खूब भरपूर है। और इधर गाय के घी में इसको खजूर का पेस्ट करके और उस पेस्ट को ऐसे गाय के घी में भून लेते हैं इतना कि इसका थोड़ा जलियांश कम हो जाए और फिर इसके अंदर डाल देते हैं अलग अलग प्रकार के ये ड्राई फ्रूट्स। तो ये एक तरफ तो ये पूरा इसको भून दिया, चलो भाई भूनो, और इसमें थोड़ा थोड़ा ये डाल दिया अलग अलग प्रकार के ये जो फ्रूट्स हमने रखे हैं ना, इसको बढ़िया ढंग से अच्छे से थोड़ा पहले घी में भून लेते हैं। अब वो भूना था लेकिन ठंड में ये भी जाम हो गया है, और इसके अंदर थोड़ा बादाम डाल दिया, थोड़ी मूंगफली, ये मूंगफली सारी सारे जाम है, फिर इसमें थोड़ा मगज डाल दिया ये और इसको, और लोग ना जाम हो इसीलिए हम रोजाना 7:56 पर और योग की गर्मी वाला कार्यक्रम चलाते हैं। ये एनर्जी बार तैयार हो गया, खजूर में सब फ्रूट, गाय के घी में भून के फ्रूट डाल के और ये खाओ बेटियों, चलो। स्वामी जी ये प्रसाद आप बांटे और हमें दे इजाजत, प्रोटीन वाला एनर्जी बार और बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे एनर्जी बार खाएं और एनर्जी तो खो जाए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मीनाक्षी आपका भी शुक्रिया, तैयार है पूरा मामला, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।